बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली, द परफेक्ट कैप्शन में आपको खुश आमदीद। जी जनाब, मैं वहाँ सगन पहुँचा हूँ डी एच कोटा की लोकेशन पे, आपको ये बताने के लिए। जनाब, ये डी एच कोटा है। आपने इससे पहले मेरी वीडियोस देखी होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वीडियो आज डी एच कोटा की लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट्स के हवाले से और स्पेशली अर्ली बर्ड के हवाले से है। इससे पहले जो आपने मेरी वीडियो देखी होगी, वो मैंने आपको सब सेक्टर 2 की वीडियो दिखाई थी, और आपने मेरे ड्रोन की वीडियो से भी देखा होगा जो हमारा सब सेक्टर A2 था, जहाँ पे हमारा मरियम पार्क लोकेटेड है, जहाँ पे हमारा फर्स्ट प्राइवेट हाउस बन रहा है। जनाब, उसकी रोड का काम शुरू हो चुका है। ये मैं थोड़े आसान अल्फाज यूज़ करूँगा ताकि जो हमारी जो पब्लिक है उसको समझ में आ सके एक्चुअली में यहाँ पे काम क्या हो रहा है। जनाब, जैसे आप इन होते हैं, इंट्रेंस करते हैं डी एच कोटा के अंदर, इतराफ में राइट और लेफ्ट की तरफ सीधे और उल्टे हाथ की तरफ आपकी अर्ली बर्ड की लोकेशन है। ये एक किनाल के प्लॉट्स हैं। जनाब, यहाँ पे आपके जो जैसे आप सेंटर पे पहुँचते हैं तो तकरीबन आपके जो जहाँ पे आपके स्ट्रीट नंबर 22 है, जहाँ पे स्ट्रीट नंबर 32 है और जो इसके साथ मुंसलिक है, वहाँ पे रोड का काम शुरू हो चुका है। ये वही काम है जिसके लिए हम पिछले सालों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब रोड का काम होगा, कब हम उसके ऊपर अपनी गाड़ियाँ चलाएंगे, कब हम उसके ऊपर वॉक करेंगे, तो वो टाइम आ चुका है। अच्छा, लोग ये समझ रहे थे कि सब सेक्टर A2 से जो रोड का काम शुरू हुआ है, रोड बनना शुरू हुए, जो ब्लैक टॉपिंग शुरू हुई है, वो सिर्फ A2 से स्टार्ट हुई है। मैं 100 दफ़ा बता चुका हूँ कि जनाब, ये सिर्फ A2 से नहीं स्टार्ट हुआ है, ये साइमल्टेनियसली मतलब कि डिफरेंट सब सेक्टर A1, A2, A3 तीनों जगह पे जहाँ जहाँ पे रोड लेवल हो चुके हैं, वहाँ पे ये ब्लैक टॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं जिस जगह पे इस टाइम पे मौजूद हूँ, जिस लोकेशन पर हूँ, भाई आप आइएगा यहाँ पे, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये सब सेक्टर A3 है। और सब सेक्टर A3 में भी जो है वो रोड का काम आप मेरे बैक साइड पे देख रहे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ जो इतराफ में है, जो आपके स्ट्रीट नंबर 116 से लेके 105 के इन बिटवीन जो सब सेक्टर हैं, जो जू के इतराफ में है, उनका काम लेफ्ट हैंड की तरफ शुरू चल रहा है। और ये यहाँ पर भी जो है आपका ब्लैक टॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है। आइए 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 आइए, आप मेरे पास आइए। काम कैसा चल रहा है? वालेकुम सलाम, कैसे आप? यहाँ पर आके खड़ी है, कैसे काम चल रही है मुझे बताइए। काम माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। काम सही चल रहा है? कैसे सही है? रोड का काम कितने दिन? बस रोड का स्टार्ट हो गया सेक्टर में, ये यहाँ पे शुरू हो चुका है जी। इधर ये जो साइड में जो मशीनरी वगैरह लगी, इधर क्या हो रहा है? इधर भी बस स्पार्ट की तैयारी है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। काम तेजी से चल रहा है या स्लो से चल रहा है? तेजी से। देखिए, मैंने आपको बोला नहीं है, आप खुद से बता रहे हैं। काम सुबह से लेके रात कितने बजे तक चल रहा है? काफी लेट हो जाता है। भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ऐसा ना मुझे बोला क्यों पकड़ लिया, चले बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने देख रहे हैं, ये भाई जा रहे थे, मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा बताऊं कि काम कैसा चल रहा है। तो ये आपके सामने सारी चीज़ें, तो रेट्स के हवाले से मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा अर्ली बर्ड के रेट के हवाले से। यहाँ पे मेरी आज वीडियो बनाने का मकसद अर्ली बर्ड के डेवलपमेंट के काम आपको दिखाने का है। आप मेरे ड्रोन की वीडियो से भी देख रहे होंगे, जो स्पॉट्स हैं, जो जगह, जो स्ट्रीट्स, उनको मैंने कवरेज करने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की है कि आप देखिए आपके सामने है सब कुछ, इसमें कोई एडिटिंग नहीं की हुई है, सब कुछ आपके सामने है। और अगर मैं आज के रेट के हवाले से बात करूँ तो लोग डिमांड कर रहे हैं कोई 90 लाख रुपये, कोई 95 लाख रुपये, कोई 1 करोड़ रुपये। ये क्या कोई रेट्स हैं? ठीक है, जो सेल कर रहे हैं डेफिनेटली अगर उनकी मजबूरी तो आज की डेट में सेल कर रहे हैं, क्योंकि कल आपको ये अर्ली बर्ड के प्लॉट्स यहाँ पे नहीं मिलने वाले। आइडियल लोकेशन है जनाब, आइडियल लोकेशन है। और जो मैं समझता हूँ कि जिनकी ब्लैक टॉपिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, वो अपने प्लॉट्स को होल्ड करें, सेल ना करें। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बाइंग इस टाइम पे डी एच कोटा की स्टार्ट हो चुकी है, स्पेशली मैं अर्ली बर्ड की आज मैं बात करूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अर्ली बर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, लोगों को समझ में आ चुका है कि जनाब सेवरेज का काम साथ साथ चल रहा है। अभी डी एच कोटा ने रिसेंटली एक जो वाटर की एडवर्टाइजमेंट भी ऑन की हुई है, बताया कि 16 जो है वो ट्यूबवेल जो बोरिंग थे वो हो चुके हैं, 16 इन प्रोसेस है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में या महीनों के अंदर वो भी निकल कर आ जाएगी। तो ये आपके सामने सारी चीज़ें, सेवरेज का काम चल रहा है, एक प्राइवेट हाउसेज बन रहे हैं, मॉडल हाउसेज बन रहे हैं, जू यहाँ पर है, सेंट्रल पार्क यहाँ पर है, और क्या आपको चाहिए आपके अपने शहर में? मैं कोटा से बात करूँ, मैं डी एच ए कोटा से बात कर रहा हूँ। तो जनाब रेट्स मैं आज आपको फिर बता दूं, लोग बहुत परेशान है रेट्स के हवाले से कि जी डी एच ए कोटा के रेट्स क्यों नहीं बेहतर हो रहे हैं। मैंने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि एक जंप लगने वाला है। और चीज़ जनाब यकीन करें, लोग जो इस टाइम पे मुझे बताइए कि जो इस टाइम पे 90-95 करोड़ खरीद रहे, क्या वो इतनी कहीं बेचेंगे किए जा रहे हैं? तो ये है इस टाइम पे अर्ली बर्ड की लोकेशन, ये है इस टाइम पे इसके डेवलपमेंट का काम। और मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि जून के बाद
जो कंस्ट्रक्शन का काम वो तेज हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर भी बड़ा एक प्रेशर है इस टाइम पे। कंस्ट्रक्शन हर तरफ से, चारों तरफ अगर मैं देखूं तो जनाब कंस्ट्रक्शन का काम इस टाइम पे रुका हुआ है। तो डेफिनेटली वो जून के बाद, बजट आने के बाद सुनने में ये आ रहा है कि उसके ऊपर कुछ रिलैक्सेशन दी जा रही है, और डेफिनेटली इन्वेस्टर्स इंतजार करें कि कब हमें मौका मिले और हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो बहुत जल्द आप देखेंगे बहुत ज़्यादा खुशखबरी डीएचयू कोटा की तरफ से भी, हन्ना वन हन्ना टू की जो है वो इंशाल्लाह ताला वहाँ से भी आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यहाँ पर भी एक घर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, और जो 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 दीगर जो है जिन्होंने घर बनाना है वो इन प्रोसेस है। इसी तरीके से जो रोड का काम है वो A1 A2 A3 में तीनों सब सेक्टर्स के अंदर लोकेशन वाइज स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो मैंने कहा आपको यहाँ पे अपडेट करता चलूँ, मेरी वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि मैं स्ट्रीट वाइज, रोड नंबर वाइज, प्लॉट नंबर वाइज आपको आपके घर बैठे आपके प्लॉट की लोकेशन बताऊंगा। मेरे दिए हुए नंबर पे नीचे मुझसे कॉन्टेक्ट करके आप अपने प्लॉट की डिटेल्स मालूम कर सकते हैं, लोकेशन मालूम कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस टाइम पे आपके प्लॉट की वर्थ क्या है, आपको बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। बल्कि आज के टाइम पे मैं जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी कोटा के स्पेशली जो लोकल्स हैं, मैं कहूँगा कि खरीद लें। ये खरीदने का टाइम है, ये परचेजिंग का टाइम है, बाद में रहने का टाइम आएगा, बाद में बेचने का टाइम आएगा, तब आप इंजॉय करेंगे। मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।